दोस्तों द फ्लैश डीसीयू की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी निकल सकती है और मे भी शायद द फ्लैश मूवी में बैरी एलन अपनी पावर्स को खो देगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि असल में ओरिजिनल फ्लैशपॉइंट स्टोरी लाइन में फ्लैश टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया था अपनी माँ की मौत को रोकने के लिए और रोका भी था, मगर इसके चलते फ्लैश के साथ वो हादसा नहीं होता आगे जाके जिसके कारण वो स्पीडस्टर बना था, यानी उस पे स्पीड फोर्स की बिजली नहीं गिरी थी। और ऐसा ही कुछ शायद हमें द फ्लैश मूवी में भी देखने को मिल सकता है, जहां जब वो टाइम ट्रेवल करेगा और अपनी माँ को बचाने के बाद अपनी पावर्स को खो देगा, पर ऑब्वियसली सब कुछ ठीक करने के लिए वो अपनी पावर्स को दोबारा पाना चाहेगा और खुद पे एक्सपेरिमेंट करेगा और प्रोबेबली जिसके लिए वो बैटमैन की टेक्नोलॉजीज का हेल्प लेगा, मगर फिर भी उसके फेल हो जाने पे आखिर में शायद सुपर गर्ल की मदद से बिना पावर्स वाला बैरी एलन खुद पर लाइटनिंग स्ट्राइक गिराएगा। और मानो या ना मानो, अगर ऐसा हो तो ये द फ्लैश मूवी का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन होगा।